आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम बताना है, ठीक है, अप टू टू डेसिमल प्लेसेज ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। सीरीज दी हुई है 7/17 + 77/17 का स्क्वायर, 7/77/17 का क्यूब। इस तरीके से इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली अगर सीरीज का सम को मैं एस मान लेता हूँ, लेट ये लिखा हुआ 7/17 + 77/17 का स्क्वायर, 7/77/17 का क्यूब, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस एस को अगर यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक प्लेस छोड़ के 7/17 + 77/17 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे जो आएगा, या फिर इसको मैं क्या करता हूँ 17 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/17 से, ठीक है। तो भी ये क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर इसको मैं 1/17 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 7/17 का स्क्वायर प्लस 77/17 का क्यू प्लस 7/77/17 का की पावर 4, इस तरीके से आएगी। अब जो ये सीरीज बनी है s/17, इसको मैं एक प्लेस छोड़ के लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं 7/17 का स्क्वायर को इसके स्क्वायर के नीचे लिखूँ और 77/17 का क्यूब को क्यूब के नीचे, ठीक है, ऐसे लिखूँ और दोनों को अगर माइनस कर दूँ s - s/17, ठीक है, यानी मैं एक तो इसकी बात कर रहा हूँ और एक इसकी, इन दोनों को आपस में माइनस कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्लेस छोड़ के लिखा तो ये आ गया 0, तो ये आ गया 7/17। यहाँ पर 77 में से 7 गया तो कितना बचा 70/17 का स्क्वायर, 777 में से 7 गया तो कितना बचा 700/17 का क्यूब। इस तरीके से इनफाइनाइट तक बन गई। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या हुआ है कि मैं क्या करता हूँ, इसमें से ऊपर से 7 कॉमन, नीचे से 17 कॉमन, ये कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1, यहाँ पे बच गया 10/17, यहाँ 100 बचा यानी 10^2/17, इस तरीके से आ गई। तो ये बचा क्या है 7/17, तो बाहर निकाला 1 + 10/17 की पावर 1 + 10/17 की पावर 2, ऐसे चली गई इन्फाइनाइट तक। और ये आ गया 16s/17 के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, अब अगर मैं बात करता हूँ कि a + ar + ar² up to infinity तक, ठीक है, तो इसका ये इन्फाइनाइट सम ऑफ जी पी इन्फाइनाइट वाली, ठीक है, ये क्या होता है अगर ये इसका a/(1 - r) होता है a∞, ठीक है, अपने को ये पता है, ये हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ रखा है। अब इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 16s/17 = 7/17 × a, फर्स्ट टर्म तो इसका 1 है, (1 - r) की जो वैल्यू है वो 10/17 है, ठीक है, तो ये 17 से 17 कैंसिल आउट हुआ, तो 16s = 7 × 1/7/17, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये 16s = कितना आ गया 17, हैंस एस की जो वैल्यू आ गई 17/16, ठीक है, तो इसका मतलब जो एस की जो वैल्यू हो गई ये कितनी हो गई 17/16, 2 डेसिमल तक चाहिए, तो 1 पॉइंट यहाँ पे कितना आएगा 06, तो option 1 इज करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।